नमस्ते फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में प्रो वाली फ़ैन मशीन जो कि एडवांस है, लेटेस्ट है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और लाइव चेक करके दिखाऊंगा। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो का पूरा देखिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो फैन विन मशीन देखी है वो थोड़ा सा अलग वाली देखी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रो मॉडल है। तो इस फैन विन मशीन में 6 पायरो लगा सकते हैं। यहाँ पायरो लगाने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। इस फैन विन मशीन में यहाँ पायरो के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर 2 कनेक्टर दिए गए। 3 पायरो को एक साइड में कनेक्शन करना है, 3 पायरो को दूसरे साइड में कनेक्शन करना है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया है, लिथियम आयरन बैटरी, जिसका कि यहाँ पे डिस्प्ले में इसका वोल्टेज दिखाई देगा। देखिए, जैसे हम शुरू करते हैं, 11.1 है, मतलब इसको नीड टू चार्जिंग की ज़रूरत है। ये पावर बटन है जिसको कि हम ऑन ऑफ करने से यहाँ पर पावर इंडिकेशन इसमें दिखाई देता है। ये आप जो देख रहे हैं ये स्पीड रेगुलेटर है। मोटर की स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका रोटेशन को हम इससे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं इसमें से ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है जिसको हम इलेक्ट्रिकली इसको चार्ज कर पाएंगे। जैसे इसको लगाएंगे तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर पाएंगे, तो ये चार्जिंग के लिए ये पोर्ट दिया गया है। इस तरह से है, आप यहाँ पे जो पोर्ट देख रहे हैं ये एंटीना है, यहाँ पर देख सकते हैं। एंटीना का काम है रेंज को बढ़ाना, आप दूर से भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे, रेंज का कुछ भी इशू नहीं आएगा। देखिए, इस तरह से एंटीना है, ये रेंज बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो इसमें पायरो लगाकर रियल व्यू में मैं फायर करके दिखाऊंगा। यदि ये मशीन लेते हैं तो मशीन का कॉम्बो पैक आता है, मतलब 2 मशीन आती है, एक ही रिमोट से दोनों मशीन शुरू हो सकती है या आप अलग अलग रिमोट से भी शुरू कर सकती है। इसमें 2 स्विच है, मतलब 2 बटन है। तो पहली बटन से हमारा रोटेशन शुरू हो जाएगा और जैसे बी वाली बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फायर शुरू हो जाएगा। अभी तक जो आपने फैन विन मशीन देखा है उसमें क्या था, ये मशीन का फ़ैन घूमता था। ये जो मशीन है, ये प्रो वाला मॉडल है, इसमें पूरी मशीन घूमेंगी। देख सकते हैं यहाँ पे इसका शाफ्ट है, ये लिंक रहेगा हमारे स्टैंड से और ये स्टैंड के ऊपर फिक्स रहेगा और ये पूरी बॉडी घूमेगी, जिससे पायरों से वायर छूटना, निकलना, लोड नहीं लेना, ये सारे प्रॉब्लम इसमें नहीं आएंगे। पायरों लगाने के लिए इस तरह से केबल टाई आती है, केबल टाई का यूज़ करके हम पायरों को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। मशीन को यदि हमें स्टैंड पर लगाना है तो इस तरह से इसके साथ में एक स्टैंड आ जाता है, जो कि यहाँ पर एक नट है, नट से शाफ्ट के साथ में यह लिंक हो जाएगा और इसके साथ में यहाँ पर जो हमारा डीजे का जो स्टैंड रहता है, फैन विन मशीन का स्टैंड रहता है, उसके ऊपर लॉक हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारा करके दिखाऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। शुरू करके दिखा देता हूँ। क्या करते हैं, ये स्टैंड है, स्टैंड को इसमें लगा देते हैं। देखिए, ये स्टैंड इसमें लग गया है। उसके बाद में मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। अभी वीडियो स्टूडियो में शूट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं अंदाज के लिए इसे पकड़ रहा हूँ। देखिए, ऐसे पकड़ रहा हूँ आपको दिखाई देने के लिए। जैसे ए बटन को मैं प्रेस कर दूंगा तो रोटेशन शुरू हो जाएगा। देखिए, ए बटन को शुरू कर दिया तो रोटेशन घूम रहा है और बी को प्रेस कर देने से ये फायर हो जाएगा। जैसे फायर की बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे इंडिकेशन लगता है। स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए मैं स्पीड को थोड़ा कम कर दिया। देखिए, इसका रोटेशन अभी कम हो गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रोटेशन है वो 60 RPM रहता है, 1 मिनट में 60 टाइम तो घूमना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रोटेशन है। तो इस तरह से मशीन है। तो चलो मैं फटाफट इसको लाइव डेमो चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं स्टैंड को पहले निकाल देता हूँ। इससे आप इसमें अच्छे वाले पायरो यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि फैन विन मशीन में एक साथ 6 पायरो फायर कर सकते हैं। जब भी हमें इसको पायरो को फायर करना है तो आप इक्वल बैलेंस करके फायर कर सकते हैं। जैसे इसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं, 6 पायरो लगा सकते हैं एक साथ। यदि आपका बजट कम है तो इसमें 3 पायरो लगा सकते हैं, या उससे भी बजट कम है तो आप 2 पायरो लगा सकते हैं। 6 पायरो लगाना है तो 6 को इसमें लगाएंगे, 3 को लगाना है तो 1 बाय 1 लगाएंगे और 2 लगाना है तो क्रॉस में लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास जो पायरो है, ये इंडियन वर्जन का कोल्ड पायरो है, जो कि ये कोहिनूर के नाम से ब्रांडिंग है इसकी। क्वालिटी बढ़िया है और देख सकते हैं ग्रीन वाला है। ये इसका फ्यूज़ है, अंदर से फ्यूज़ है। इसको मैं फोड़ कर आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, इस तरह से है और रेड वाला पार्ट नीचे रहेगा। तो चलो, ये 6 पायरो को मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक पायरो कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये कोल्ड पायरो है, कोल्ड पायरो का ये वायर को यहाँ से खींचना है और इसके बाद में इसको भी यहाँ से खींचना है और खींचने के बाद इसको 2 वायर को सेपरेट करना है। देखिए, दोनों को सेपरेट कर दिया। उसके बाद में इसको यहाँ पर टैगिंग करना है। ये केबल टाई है, केबल टाई से देखिए सिंपल है। पहले केबल टाई को इसमें लगा दीजिए, इस तरह से 2 केबल टाई लगेंगी एक पायरो लगाने के लिए। चाहे तो आप तार भी लगा सकते हैं, तार से भी हो जाएगा। देखिए, एक पायरो इस तरह से लगाना है। देखिए, इस तरह से ये कोल्ड पायरो यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसी तरह से मैं सभी पायरो यहाँ पर लगा दूंगा। सबके वायर निकालना है और इसमें लगाना है।
इसमें आप तार यूज़ कर सकते हैं या फिर सेलो टेप या इंसुलेशन टेप या फिर पैकिंग टेप का भी यूज़ करके आप इसमें होल्ड कर सकते हैं पायरों को। देखिए दो पायरों लगा दिया, इस तरह से मैं सारे पायरों लगाकर आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स कनेक्शन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया तीन तीन पायरों का हमने एक बंच बनाया है, तो ये बंच हमने एक साइड में लगा देना है। इसका एक वायर लेफ्ट साइड में और एक वाइट में और ब्लैक में। मैं आपको क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ, अभी अंधेरे का समय है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं। ये पैरेलल पोर्ट है, मतलब इसमें सप्लाई आ जाएगा, उसी समय इसमें भी सप्लाई आ जाएगा। ये पैरेलल कनेक्शन से क्या होता है कि यदि हमारा कोई पायरो ख़राब भी रहता है तब भी ये काम करेगा, मतलब प्रोग्राम हमारा फेल नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमारा अभी रेडी है। हमने यहाँ का मशीन की स्पीड हमने कम रखा है इसीलिए कि वीडियो में आपको बराबर दिखाई दे। जैसे ए बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो मशीन घूमेंगी, और घूमते कंडीशन में मैं बी बटन को प्रेस कर दूँगा तो ये पायरो फायर हो जाएंगे। तो ये सक्सेसफुली इवेंट अभी हम करके देखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो रेडी स्टार्ट। देखिए जैसे ए बटन को प्रेस कर दिया तो ये हमारी मशीन घूमना शुरू हो गई, और जैसे मैं बी बटन को प्रेस कर दूंगा तो इसका पायरो फायर हो जाएगा। अभी मैंने स्पीड को कम रखा है वीडियो में आपको दिखाने के लिए। तो रेडी स्टार्ट। फ्रेंड्स आपने देखा ये अभी मशीन अभी भी रोटेशन में है और ये घूम रही है, और हमने पायरो फायर भी किया है, और इसके बाद में अभी ए बटन को जैसे प्रेस कर दूंगा तो ये मशीन घूमना बंद हो जाएंगी। आज के वीडियो में मैंने जो मशीन आपको फायर करके दिखाया ये प्रो वाला मॉडल था, इसका मतलब इसमें घूमते समय पायरो फायर हो जाएंगे और इसमें पायरो छूटने वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। ये एक फैनविल मशीन आता है, कॉम्बो भी आता है, एक मशीन से आप दो चार छः लगा सकते हैं, और ये बढ़िया मशीन है, ज़बरदस्त है, और इसको लेकर आप इवेंट को बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास फैनविल मशीन इसका प्रो मॉडल, बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं। प्रो वाला फ़ैन मशीन है जो कि एडवांस है, लेटेस्ट है, इसको लाइव डेमो चेक करके मैंने दिखाया, सक्सेसफुली इवेंट परफॉर्म करके दिखाया। तो आज के वीडियो में मैंने एक ही मशीन को यूज़ करके दिखाया। एक रिमोट के साथ में आप दो मशीन चार मशीन चला सकते हैं, इसके साथ में आप अलग से एक स्टैंड ले सकते हैं, इसके साथ में स्टैंड नहीं आता, जो कि स्टैंड हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाता है, और बढ़िया है, हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाता है, ऑल इंडिया डिलीवरी की देते हैं हम। तो ये मशीन आपको परचेस करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के नए नए वीडियो देखना है तो फेसबुक पेज हमारा विश्वास इवेंट्स है, उसको लाइक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट एडवांस मशीन हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।